हालात बदल गए हैं, सरकारें बदल गई हैं और जम्मू कश्मीर में भी काफी बदलाव आ गया है। जिस मिलिटेंसी को लेकर हम देखते थे कि हम जम्मू भी इससे महफूज नहीं था, राजौरी पूंछ कोई ऐसा एरिया जम्मू कश्मीर का ऐसा नहीं था जो महफूज नहीं था, आज आप लोगों की मेहनतों से, आप लोगों ने जो जद्दोजहद करी और हमारी सरकारों ने जद्दोजहद करी और कहीं ना कहीं मुस्लिम राष्ट्र में जिन्हें भी एक बड़ा रोल अदा किया, कहीं ना कहीं उसमें हमने जो मिलिटेंसी थी या मिलिटेंट जो लोग थे उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हमने एक बड़ा रोल अदा किया और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब है। और आज भी देश के अंदर हम बहुत जो है आगे निकल चुके हैं उस जमाने से, लेकिन बावजूद उसके जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है ऐसा नहीं है। देश की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, बहुत सारी नहीं क्रिएट हो जाती है। तो आज हम उन सब बातों को लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर आए हैं। आज एक बात मुस्लिम राष्ट्रगंज का मानना है कि हमारे जो मुस्लिम राष्ट्रगंज का खास तौर से ये मानना है कि जम्मू कश्मीर के जो बॉर्डर है ये हमारा अगर अंदरूनी मुल्क हम महफूज है और हमारा अंदरूनी मुल्क अमन है, अगर बॉर्डर हमें अमन नहीं होगा, बॉर्डर पे शांति नहीं होगी, तो आप ये समझ लीजिए कि उस पे ये नामुमकिन है कि हम लोग कामयाबी हासिल कर सकते हैं। हमने मुल्क को प्रोग्रेस की लैंग्वेज से हम कहते हैं ना कि हम जो है विकासशील नहीं विकसित राष्ट्र बनना चाहते हैं, तरक्की पजीर नहीं तरक्की याफ्ता मुल्क बनना चाहते हैं।